भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद नंदकुमार सिंह चौहान खंडवा दौरे पर पहुंचे, जहां चौहान से देश में मोदी लहर को लेकर सवाल किया गया। इतना सुनते ही नंदकुमार सिंह चौहान भड़क गए और सवाल किसी पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी का बताते हुए कहा कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि देश में मोदी की लहर है, और लहर ही नहीं बल्कि तूफान है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नंदकुमार सिंह चौहान को 7वीं बार यहां से प्रत्याशी बनाया है, 5वीं बार यहां से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भी सांसद हैं। आपको बता दें नंदकुमार सिंह चौहान से जब पूछा गया कि क्या वाकई में अब भी देश में मोदी की लहर है, तो वो इस बात को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मोदी की लहर ही नहीं, इस देश में मोदी की तूफान है, और ये तूफान यूं ही जारी रहेगी। आपको बता दें सांसद नंदकुमार सिंह चौहान 5 बार से यहां के सांसद रह चुके हैं, और इस बार भी उन्हें यहां से ही उम्मीदवार बनाया गया है। जब वो यहाँ मंच पर पहुंचे तो उनसे एक सवाल किया गया, उनसे पूछा गया क्या अभी भी देश में मोदी लहर बाकी है, तो वे सवाल को लेकर भड़क गए और उन्होंने कहा कि लहर ही नहीं अभी तूफान भी बाकी है मोदी को लेकर। आपको बता दें नंदकुमार सिंह चौहान यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, और एक बार फिर उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। उनसे सवाल किया गया कि क्या वाकई अब भी देश में मोदी लहर बाकी है, तो इस सवाल पर वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि लहर ही नहीं तूफान भी बाकी है।